गाइस सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A12 को लॉन्च कर दिया गया है, और बहुत ही गुपचुप तरीके से लॉन्च किया गया है। मतलब कोई ज़्यादा इतना शोर शराबा नहीं हुआ, किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ सैमसंग की जो वेबसाइट है, न्यूज़ आर्टिकल है, वहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है इसके लॉन्च को लेकर के। ये फ़ोन पहले ही ऑलरेडी यूरोप में लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले इसके स्पेक्स की। और मेरे ख्याल से ये इतना शोर शराबा इसलिए नहीं किया गया ताकि इसके जो स्पेक्स हैं वो इतने अच्छे भी नहीं हैं प्राइस के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो लोग अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये फ़ोन इतना अच्छा नहीं है कि ऑनलाइन की दुनिया इस फ़ोन को पहचान ना सके। मैं आपको सारे स्पेक्स बताता हूँ और बताता हूँ क्या क्या प्राइस है इसकी, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये फ़ोन किस काबिल है किस काबिल नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर सैमसंग की सैमसंग गैलेक्सी A12 A21 है, जितने भी मिड रेंज के फ़ोन थोड़े से नीचे होते हैं बजट रेंज में, ये ऑनलाइन तो इतने बिक नहीं पाते हैं बट ऑफलाइन मार्केट को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करते हैं, और लोगों को 10-12 हज़ार रुपये में एक सैमसंग का फ़ोन मिल जाता है, यही काफ़ी होता है उनके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की। 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले आपको मिलती है, IPS LCD नहीं मिलती है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये फुल HD भी नहीं है, HD+ रेजोल्यूशन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई HD+ डिस्प्ले और फ़ोन की प्राइस पहले मैं आपको बता देता हूँ। 4+64 का जो वेरिएंट है वो 12999 का लॉन्च हुआ है, और 4+128 का जो वेरिएंट है वो 13999 का लॉन्च हुआ है, यानी कि 13000 रुपये में हमें 4/64 देखने के लिए मिलता है, जहां पर आप जानते हैं कि यहां पर स्नैपड्रैगन 720G जैसी परफॉर्मेंस फुल HD+ डिस्प्ले तक हमें देखने के लिए मिलती हैं विद पंच होल। बात करते हैं हम यहाँ पर प्रोसेसर की, मीडियाटेक का हीलियो P35 हमें देखने के लिए मिला है, भी यहाँ पर G35 वगैरह हमें देखने के लिए मिल रहा है। G35 P35 का ही एक वेरिएंट है, मतलब थोड़ा सा उसको न्यू करके बना दिया गया है, बट यहाँ पर G35 भी प्रोवाइड नहीं किया, वही पुराना वाला P35 प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर 8 के 8 कोर्स कोर्टेक्स A53 की आपको मिलती हैं, और यहाँ पर 2.3 GHz तक वो क्लॉक हो सकती हैं। 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है प्रोसेसर, तो फैब्रिकेशन प्रोसेस तो ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, बट जो कोर्स वगैरह है परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी आपको नहीं मिल पाएगी, यानी 13000 रुपये में आप एक्सपेक्ट करते हैं काफ़ी अच्छे गेम्स वगैरह, पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी आप खेलना पसंद करते हैं, बट यहाँ पर आपको उनका लैग फ्री एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। आपको यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में पबजी वगैरह में मोबाइल हैंग होता हुआ दिखेगा, लैग्स वगैरह काफ़ी देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कैमरा के, सामने की तरफ आपको केवल 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिलती है, और बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, बाकी 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और वहीं आपको डेप्थ और मैक्रो देखने के लिए मिल जाते हैं जिनकी हम बात बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सल का है, जो कम से कम 8 मेगापिक्सल का तो हो सकता था, और 48 मेगापिक्सल ठीक है इस प्राइस के हिसाब से, आपको मैक्सिमम कंपनीज 48 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर रही हैं। सेल्फी कम से कम 13 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल हो सकती थी, ये एक नया कदम लिया जाता था सैमसंग की तरफ से, क्योंकि इस प्राइस में आपको अबाउट 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लगभग हर कंपनी प्रोवाइड कर रही है इन 13000 रुपीज़। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो आम बात हो गई है आजकल, और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है एक 15 वाट का चार्जर, तो मतलब ठीक है प्राइस के हिसाब से हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते, और कंपनीज भी आपको 18 वाट प्रोवाइड कर रही है, तो 3 वाट वगैरह तो बैटरी के हिसाब से फ़ोन ठीक है, बैटरी और चार्जर इट्स ओके, बट प्रोसेसर और डिस्प्ले में थोड़ा इंप्रूवमेंट बनता था बॉस, कम से कम आपको स्नैपड्रैगन 662 ही दे दिया होता तो ये बेटर थिंग हो सकती थी, या फिर अपना वही एक्जिनोस 9611 बढ़ा दिया होता इतने में, तो वो भी एक ठीक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता, बट यहाँ पर इन्होंने मीडियाटेक का हीलियो P35 दिया है, जो इस प्राइस के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से डिस्प्ले आपको TFT दी है और HD+ पैनल दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में और प्रोसेसर के मामले में दोनों तरफ से फ़ोन डाउन है। इससे अच्छे आपको मार्केट में काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम इंडियन ब्रांड की बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स का In Note 1 आपको मिल जाता है लगभग 12000 रुपये में, 4+64, उसमें फुल HD+ डिस्प्ले भी है, और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने के लिए मिलता है। और इस प्राइस में हमें पोको M2 Pro देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G जैसे परफॉर्मेंस, कमाल की परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल जाती है, और साथ में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, डिज़ाइन भी पंचोल मिलता है, 5000 mAh की बैटरी भी मिलती है, और 33 वाट का चार्जर भी मिलता है, यानी कि हर डिपार्टमेंट में हर चीज़ में वो एक फ़ोन बेटर फ़ोन है इसके मुकाबले। इसके अलावा और कंपनीज के फ़ोन है, रियलमी के भी काफ़ी फ़ोन है, Realme 7 है, Realme 6 है, और साथ में आपको Realme 7i भी काफ़ी कम प्राइस में देखने के लिए मिल जाता है, तो बहुत सारे फ़ोन हैं इस प्राइस में जो कि इस फ़ोन से काफ़ी अच्छे हैं। इवन नोकिया के भी फ़ोन हैं, नोकिया का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 5.4 3.4, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं। अगर इससे कंपेरिजन करें तो कम से कम डिस्प्ले तो वहाँ पर आपको IPS LCD मिलती है, और सेल्फी कैमरा भी अबाउट 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। आप नोकिया 5.4 की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छी ब्रांड्स चाहिए, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सैमसंग को, नोकिया को हम रेडमी वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, बट दिस टाइम सैमसंग से अच्छा
फ़ोन नोकिया के पास है इस प्राइस रेंज में, लाइक नोकिया 5.4, क्योंकि वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 देखने के लिए मिलता है, जो इससे काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और डिस्प्ले भी आपको IPS LCD मिलती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ पर HD+ ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी HD+ है और वहाँ पर भी HD+ आपको देखने के लिए मिलती है। तो मेरे ख्याल से दिस टाइम इस फ़ोन को देख के लगता है कि भाई नोकिया 5.4 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नोकिया 5.4 इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है मार्केट के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है और इसीलिए शायद इसको ऑनलाइन मार्केट में इतनी तरजीह नहीं दी गई, क्योंकि इसका प्लान जो होगा बिल्कुल ऑफलाइन मार्केट को घेरने का है, ऑनलाइन में इसको बेचने का इनका बिल्कुल भी प्लान नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन में बिक भी नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन की जो दुनिया है काफ़ी समझदार हो गई है। ऐसे सैमसंग गैलेक्सी A21s था, उसको भी काफ़ी बेकार से फीचर्स थे उसके अंदर, बट लोगों ने फिर भी वो बाय किया, लेकिन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन उसको सबसे ज़्यादा बेचा गया और वो सैमसंग की तरफ से टॉप सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में लगभग तीसरे या चौथे नंबर पर था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन की जो दुनिया है वो सैमसंग काफ़ी टारगेट करता है और इस बार भी मे बी शायद ये इस फ़ोन को बेच पाएँ, बट ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने आसपास के लोगों का जो पैसा है वो वेस्ट होने से बचाना है और उनको बताना है कि ये फ़ोन से अच्छे आपके पास मार्केट में और भी फ़ोन हैं। कैसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, बाकी आपका क्या है ओपिनियन इस फोन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।